फिलहाल एक बड़ी खबर आपको दे दें, नीरव मोदी कहाँ है ये आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि न्यूयॉर्क में नीरव मोदी की मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि नीरव की मां को न्यूयॉर्क के वेल कॉर्नेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीरव की मां और पत्नी अमेरिका में रहते हैं। नीरव की मां को न्यूयॉर्क के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया से हम बात करते हैं। मधु, पहले तो नीरव मोदी के अमेरिका में होने की खबरें आई थी और अब उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और क्या जानकारी है आपके पास? जी, खबर यही आ रही है कि नीरव मोदी की मां को कल वेल कॉर्नेल मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, और ये हॉस्पिटल जो है उनके न्यूयॉर्क जो बुटीक है उससे सिर्फ 10 ब्लॉक दूर है, और उनके जो परिवार है, उनके बच्चे जो हैं, वो आज दोपहर तक, जो बात करें कि शनिवार दोपहर तक एसेक्स हाउस में ही मौजूद थे, लेकिन दोपहर के बाद वो फिलहाल उनका जो अपार्टमेंट है वो खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है। तो यहाँ से परिवार अभी कहाँ गया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, और अस्पताल में किस वजह से भर्ती कराया गया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन खबर यही है कि उनकी माँ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जी मधु, जल्दी से जानना चाहेंगे कि परिवार से और कौन कौन था अस्पताल में उनके साथ? परिवार में, अस्पताल में उनके साथ कौन है ये बिल्कुल खबर नहीं है, क्योंकि काफी सिक्योरिटी भी आमतौर पे हॉस्पिटल में होती है, तो आमतौर पे कोई आदमी ऐसे अंदर जाके पता नहीं कर सकता है। जी। तो अस्पताल में कोई उनके साथ परिवार का आदमी है या नहीं, इस बारे में बहुत गोपनीयता बरती गई है। जी मधु, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई अपडेट होगा आपका रुख करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि नीरव मोदी की माँ को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।